बचाओ, अम्बेडकर चलाओ देश बचाओ। उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजाए हो जाए। आप लोगों ने फुटेज देखा होगा, वो आदमी जो है वो दीप कुमार है, जो बच्चा जो है वो उठा करके ले गया था। फिर उसके बाद हमें पता चला कि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड उनका गैंग है, पूरा एक जिसमें कई लोग। उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की, गाली गलौज किया, पहले मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग आप पहले सुने। मैं ईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ भैया। अरे साहब, मैं तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली साहब। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अगर आप एससी एसटी ओबीसी या अल्पसंख्यक समाज से आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है। दावा है इस वीडियो का 5 सेकंड भाग भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी लोग अत्यंत व्यस्त रहते हैं। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है कुछ भी नहीं पता रहता, जिसके कारण आपके लिए जरूरी खबरें भी आपसे छूट जाती हैं और उसका खामियाजा हमको कभी न कभी जरूर खलता है। इसलिए मैं लेकर आया हूं स्पेशल बुलेटिन फॉर बहुजन कम्युनिटी, क्योंकि आज की चाटुकारिता टीवी मीडिया को खुद टीवी हो गया है। वो सिर्फ वही खबरें दिखाती है जो उनके आकाओं के लिए जरूरी और फायदेमंद होती है। तो आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की सभी मुख्य खबरें, वो भी विस्तार से। बीजेपी महिला नेता की दरिंदगी, घर पर काम करने वाली आदिवासी महिला को कैद कर पेशा पिलाई, गर्म तवे से जलाया। लोग सवाल कर रहे हैं कि आदिवासी महिला सुनीता खाका पर अत्याचार करने वाली भाजपा नेत्री सीमा पात्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ तस्वीर में दिख रही है या झारखंड भाजपा की प्रदेश सदस्य व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की संयोजक भी है। क्या राष्ट्रपति मुर्मू इसीलिए चुप हैं? झारखंड के पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महादलित समुदाय के 50 घरों को ध्वस्त कर उन्हें उजाड़ दिया। महादलित समुदाय के ये लोग अब आसियाने के लिए भटक रहे हैं। महादलित परिवार के लोग यहाँ 30 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे थे। मृतक अंकिता के आखिरी शब्द, जैसे हम मर रहे हैं वैसे ही शाहरुख को भी तड़प कर मरना चाहिए। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा भी बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग दिया। भारी सुरक्षा के बीच झारखंड की बेटी अंकिता का कल सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। उनके दादा ने चिता को आग दी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। अब जल्द दोषियों शाहरुख और नईम को कठोरतम सजा दी जाए। आपको बता दें कि 3 अगस्त की सुबह एक तरफा प्यार के चलते शाहरुख नाम के सिरपुरे ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। एमपी में भी दोहराई झारखंड जैसी घटना। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी करनी है, इनकार करने पर बबलू ने भूली नामक लड़की का उसके घर में घुसकर गला रेता। कुछ दिन पहले हमारी थोड़ी आपसी गंजिश थी, पहले भी ये दारू पी गई, गांजा पी गए, बच्चा इसको भी गाली गलौज करना, किसी को भी छेड़ना, और एक मोहल्ले के हिसाब से मैंने उसको समझा दिया भाई ऐसा नहीं चले। समझाने के बाद फिर हम लोगों को आज उसने जाने दिया कार्यक्रम में। वो बता रहे, मेरी लड़की बड़ी वाली बता रही, बोले जवान कूद के अंदर घुसा और अंदर घुस के और चाकू मार दिया। मामला खंडवा जिले का है, मुंद्री थाना अंतर्गत गांव बांगरदा का है। 18 वर्षीय भूरी सोमवार दोपहर के समय घर पर अकेली थी। पूरा परिवार पास के गांव भमौरी में पगड़ी के कार्यक्रम में गया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर एक तरफा प्रेम में कोटवार बबलू युवती के घर में घुस आया। दरवाजा भी भीतर से लगा हुआ था, इसलिए दीवार कूद कर घर में घुसा। उसके पास धारदार चाकू था, उसी चाकू से युवती का गला रेत दिया। मध्य प्रदेश से संविधान की प्रति जलाकर संविधान मुर्दाबाद, अंबेडकर मुर्दाबाद कर मनुवाद जिंदाबाद का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कब का है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये वीडियो पुराना भी हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तमाम मीडिया वेबसाइट छानने के बाद भी अब तक इस पर एक भी खबर किसी भी मीडिया संस्थान द्वारा नहीं मिली है।
इस घटना की अभी पूरी जानकारी आना बाकी है। इसे ट्विटर पर एडवोकेट प्रमोद कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके लिखा है, यह वीडियो शेयर किया है। एमपी का यह वीडियो है, इसमें यह लोग संविधान को जला रहे हैं और डॉक्टर बीआर अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। बच्चे को खरीदने के आरोप में बीजेपी पार्षद विनीता अग्रवाल और उनके पति को फिरोजाबाद से किया गया गिरफ्तार। मथुरा में संचालित बच्चा चोर गिरोह से एक बच्चा खरीदने के लिए 1,80,000 रुपए देने के आरोप में फिरोजाबाद की एक भाजपा पार्षद विनीता अग्रवाल और उनके पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चौंकाने वाले रैकेट का खुलासा तब किया जब मथुरा के एक दंपति ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके बच्चे को मथुरा रेलवे स्टेशन से किसी ने चुरा लिया है जब वे 24 अगस्त की तड़के सो रहे थे। पुलिस ने बाद में हाथरस से बच्चे को चुराने वाले आरोपी को ट्रेस कर लिया। बाद की जांच में पुलिस ने एक अस्पताल के मालिक, कई नर्सों और गिरोह के अन्य सदस्यों से जुड़े एक संगठित रैकेट का खुलासा किया जिन्होंने बच्चे को उठा लिया और उन्हें पैसे कमाने के लिए निसंतान जोड़ों को बेच दिया। जिसमें वादी जो है वो राधा जी हैं, जो यहीं क्या मथुरा की हैं। वो यहाँ पे आगरा आए थे, ये मथुरा आए थे वो लोग घूमने के लिए, तो प्लेटफॉर्म से उनका बच्चा जो है वो चोरी हो गया था सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास, जो कि फुटेज आप लोगों ने देखा होगा। जैसे ही मुकदमा लिखा गया था उसके बाद जो है इसके लिए 6 टीमें जो है वो बनाई गई थी, सर्विलांस की टीम, कई थानों की टीम इसमें लगाई गई थी, जिसमें कासगंज है हमारा, हाथरस है, मथुरा है, आगरा है, कई जगहों की टीम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे इसके अनावरण के लिए लगाया था और फुटेज को हम लोगों ने कई जगहों पे सर्कुलेट करवाया था। उसी प्रकरण में ये संज्ञान में आया जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुआ कि वो बच्चा की चोरी जो है वो ये दीपक नाम का लड़का है, ये हाथरस का है, दीपू इसको बोलते हैं, इसका ये कहाँ है आपका फेस नोट नहीं आया, दीप कुमार है, ये हाथरस का है। तो ये जो आप लोगों ने फुटेज देखा होगा वो आदमी जो है वो दीप कुमार है, जो बच्चा जो है वो उठा करके ले गया था। फिर उसके बाद हमें पता चला कि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड इनका गैंग है, पूरा एक जिसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं, इसमें कुछ 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो ANM का काम जो है वो हाथरस में करती हैं और उनके द्वारा जो भी जिस भी दंपति को बच्चे नहीं होते हैं उनका क्या करते हैं कि वो लोग उनके पास आते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वाले के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ये बच्चे को बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है और उनके जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है। तो इसी में पूरे जो सिंडिकेट था तो उसमें हमने बच्चा जो है बरामद किया है, जो उस बच्चे का नाम संजय है उसको हमने बरामद करके उसके माँ बाप को जो है वो सुपुर्द किया है और इसमें जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन्हीं लोगों को हमने सभी लोगों को अरेस्ट किया है। ये पूरा मामला है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ट्वीट कर सवर्ण समाज पर साधा निशाना। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, गरीबी दूर करने के लिए मनरेगा और जनधन योजना है। गरीबों को EWS नहीं मनरेगा में काम दो, उनको आटा चावल दो। प्रोफेसर रतनलाल को मारने की धमकी। प्रोफेसर रतनलाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी यह जानकारी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी दीपू सिंह ने मुझे मारने की धमकी दी है, कल 3 बजे उसका नंबर और रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि कल 2 पर 3 बजे मिलें, न झुकूंगा न डरूंगा, शुक्रिया। ये खबर लिखे जाने तक और जब यह वीडियो बन रहा है उस वक्त प्रोफेसर रतनलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दे रहे थे। और ये मामला है मुझे धमकी दिए जाने के संबंध में। कल शाम में 7:09 पे 2 मिस्ड कॉल आए, मैंने कॉल बैक किया। कॉल किया तो जो नाम आ रहा था वो नाम था भाजयुमो सोशल मीडिया प्रभारी दीपू सिंह। तो उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की, गाली गलौज किया, पहले मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग आप पहले सुने। तो क्या कह रहा हूँ, कौन सा पोस्ट क्या किए हैं? क्या क्या नहीं किया, सब पोस्ट किए हो, एक नहीं सब पोस्ट। क्या नाम है तुम्हारा? दीपू सिंह नाम हमारा। हाँ तो कहाँ रहते हो? हैं, बगल उनकी रहते हैं। तो क्या हो गया?
तुम भी होश में रहो ना। ट्विटर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शेड्यूल कास्ट कमीशन, योगी और डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस सबको टैग किया है। कानूनी सलाह भी ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, और आप लोग के माध्यम से ये लड़ाई कानूनी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो है समाज को जागृत करने की लड़ाई है। सबको धमकाते हैं, कहीं मूंछ रखने पे मार देते हैं, कहीं बच्चा मार देते हैं, तो सवाल डरने का, समाज को आज खड़ा होना पड़ेगा। और इन ठाकुर समाज के हैं तो मैं ठाकुर समाज से भी अपील करूँगा कि अपने जाति के अंदर ऐसे जो बदतमीज क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उसका बहिष्कार कीजिए, उसके समर्थन में नहीं आइए, क्योंकि सामाजिक वैमनस्यता यही लोग फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सामाजिक राजनीति की लड़ाई बड़ी है और समाज को जागरूक होना है, डरना नहीं, अपनी आवाज़ मुखरता से बगैर अनपार्लियामेंट्री शब्द का और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए संवैधानिक दायरे में अपनी आवाज़ ऊंची और बुलंद रखनी है। ईडी सीबीआई का भाजपा ने किस प्रकार से मजाक बना दिया है यह आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो मीम वायरल हो रहा है जिसमें लोग शेयर करके खूब मजे ले रहे हैं, आप भी सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं ईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ भैया। ईडी से? अरे साहब, मैं तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली साहब। सॉरी सॉरी सॉरी, रॉन्ग नंबर, सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं ईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ भैया। ईडी से? अरे साहब, मैं तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली साहब। सॉरी सॉरी सॉरी, रॉन्ग नंबर, सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो साथियों, ये थी वो महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी थी। लगता है हमारे देश में जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं वो सही कहते हैं कि मुसलमान देश के लिए घातक हैं, वो देशद्रोही हैं। आखिर कब तक दलित इस भ्रम में रहेंगे कि मुसलमान हमारे भाई हैं, जबकि मुसलमानों की नजरों में दलित सिर्फ हिंदू हैं। आखिर मुसलमान दलितों के इस एहसान को कैसे भूल जाते हैं कि दलित हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, तो हमें उनके साथ ऐसा अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। आपने देखा किस प्रकार से मुस्लिम समुदाय द्वारा दलित परिवारों को बेघर कर दिया। यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत में सामाजिक एकता और भाईचारा सिर्फ एक ख्वाब है, क्या केवल और केवल राजनीतिक फायदे के लिए ही दो या दो से अधिक कौमें साथ आती हैं। इस प्रकार की खबरों से तो यही लगता है कि दलित मुस्लिम एकता मात्र एक मिथ्या है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में किस प्रकार से अंकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए एक विशेष धर्म के विशेष समुदाय के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं, और यह बात बिल्कुल सही है कि दोषियों के लिए इस प्रकार के प्रदर्शन जरूर होने चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इस प्रकार के प्रदर्शन केवल राजनीतिक फायदों के लिए ही होते रहेंगे या कभी ये लोग धरातल पर भी मानवता दिखाएंगे? क्योंकि झारखंड जैसी ही घटना एक मध्य प्रदेश के खंडवा से भी आ रही है, लेकिन कोई संगठन सामने नहीं आता है, मीडिया पर कभी कोई सुर्खियां नहीं बनती है। क्या केवल एक विशेष धर्म संप्रदाय पर हुआ अपराध ही अपराध की श्रेणी में आता है? देश के गरीब शोषित दलितों के साथ ऐसी घटनाएं नित घटती हैं, उस वक्त इन संगठनों के लोग बिल में क्यों घुस जाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से राजस्थान में दलित मासूम छात्र इंद्र मेघवाल के हत्यारों को बचाने के लिए लोग सरेआम सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं, आयोजन करते हैं, लेकिन जब दलितों के साथ अत्याचार होता है तो इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्या दलित गरीब शोषितों की जान की कोई कीमत नहीं होती है? आदिवासी महिला के साथ भाजपा नेत्री किस प्रकार से अमानवीय कृत करती है, 8 सालों तक घर में बंधक बना के रखती है, क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ कभी ये लोग प्रदर्शन करेंगे, ऐसे नेताओं के लिए फांसी की मांग करेंगे? यह सोचने वाली बात है। और साथ ही खास करके मुस्लिम समुदाय को ये बात सोचने की जरूरत है कि इस तरह की खबरें सामने क्यों आती हैं। इसका स्पष्टीकरण जो देश के मुस्लिम नेता हैं उनको सामने देना चाहिए। दलित आखिर कब तक दोनों तरफ से पिसते रहेंगे? हिंदुओं की नजरें में दलित नीच हैं, शूद्र हैं, और जबकि दलित अन्य बिरादरी के साथ, अन्य धर्मों के साथ, सभी संप्रदाय के साथ भाईचारा रहना बनाकर रहने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे लोग या दूसरे संप्रदाय के लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू के चश्मे से ही देखते हैं। आखिर कब तक ये शोषण दलितों के साथ, शोषितों के साथ होता रहेगा, यह सोचने वाली बात है। फिलहाल आप इन सभी खबरों पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं,
अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी ये भी हमें बताना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।